पंचमी, ए पंचमी, पंचमी क्या है? क्यों तुम ऐसे चिल्ला रहे हो? पहले से अंदर रखो, फिर मेरी धोती और शर्ट लेके आओ। कॉफी पियेंगे? अरे सुबह हो गई है, जरा फटाफट आ जा। लीजिए, बिना वजह से मुझे डांटना मत। दूसरा बीवी और बच्चे है ना, चाहे तो उन लोगों को डांटो। मुझे पता है, उन लोगों को देखने के लिए ना ऐसे सजा के जा रहे हैं। आइंदा उनके बारे में कुछ कहा तो तेरा खून करके दरिया में फेंक दूंगा, समझ गई? कभी ठीक नहीं होगा। हो गई? हाँ आ रही हूँ। पहला जीप चला जाएगा। कीर्ति दीदी भी अभी तक आए नहीं, मुझे लगता है आज भी लेट हो जाएगा। मैं निकल रही हूँ। दीदी आ रहे हो क्या? नहीं यार, तुम जाओ, तुम्हें ईरोड जाना है ना। क्या हुआ, क्यों तुम इतनी उदास हो? एक महीने के बाद सब इंस्पेक्टर होने वाली हो, अब क्यों रो रही हो? तो मैं चलती हूँ दीदी। मम्मी मैं जा रही हूँ। छोटी दीदी को देखो तो? जरूरत नहीं, जो हमें पसंद नहीं करते हैं उनकी जरूरत हमें भी नहीं है। लीजिए इसे पीजिए। क्यों मुझे ये दवाई दे रहे हो? ओ ईसाई, मुझे नहीं बुला रहे। ये सब आपकी वजह से हुआ, अब क्यों दवाई नहीं पी रहे हो? अगर आपको कुछ हो गया तो सारे लोग हमें ही दोषी देंगे ना। अंजु बहन, अंजु बहन। हरी सर, आप आइए सर, अंदर आइए। सुबह सुबह शुरू हो गया? इनके वजह से ही डांट रही हूँ। हाँ फिर मैं सिटी को जा रहा हूँ, आप आना है तो आइए। ठीक है मम्मा, मैं दीदी को बता के जाती हूँ। आती हूँ मम्मा। माँ की तबीयत में कुछ फर्क है क्या? डॉक्टर ने क्या बोला? क्या बोलूं, कुछ भी सुधार नहीं है। 23 सालों से ये ऐसे ही है। इनकी दवाई के लिए महीने को 3,000 लगता है। बहन की पढ़ाई, घर की रेंट और मुझे ही सब कुछ देखना पड़ेगा ना। मेरे साथ एक थी लेकिन प्यार करके वो भी चली गई। वो खुश रही तो मुझे भी खुशी होगी। मैं यहाँ आके कुछ साल ही हुआ लेकिन सबको जानता हूँ। तेरी माँ की इस हालत के कारण सिर्फ तुम्हारी पिता है क्या? सॉरी, कहना नहीं चाहते तो ना कहना। अरे ऐसा कुछ नहीं है, दिल में जो बातें हैं उनको बताने से सुकून मिलेगा। पापा बहुत गुस्से वाले थे लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी अच्छी थी। पापा, मम्मा, मैं और मेरी बहनें। तो आज अच्छा है, अगर बारिश नहीं होती तो अच्छा होता था। मच्छी तलने को ले जा रहे हो क्या? नहीं होगा, शादी करवा दूंगा। कैसे सवाल पूछता है? तो इसके लिए जवाब क्यों दे रहे हो? करने के लिए पूछते हैं उनको। मछली वाले तबली बजा।
न जाने उस आदमी को अब तक दिखाई नहीं दे रहा, क्यों इतना देर कर रहे हैं? न जाने छोटे भी कहाँ गए। आ, छोटी उठ गई क्या? नहीं, वो सो रही है। पापा और चाचा आए नहीं क्या? वो अभी आएंगे, तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। अंकल आते वक्त तुम जाना है ना, जल्दी जाकर मुंह धोकर नहा कर आओ, तब तक मैं चाय लेके आती हूँ, जा। मछली वाले मछली फ्राई करो, मछली 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 मछली। चुप कर, सुबह सुबह से सुन रहा तेरा ये गाना वाना। ये क्या सुबह सुबह झाड़ू लेके खड़ी है तू? एक दूंगा। क्या भाई आप, ला इसे फ्राई कर। क्यों इतना देर हो गए? तेरी माँ की शादी कराने के लिए गया था, जल्दी फ्राई करके ला। सुबह सुबह सवाल कर रही है। नाचियार अंकल। आ हाय हाय, स्कूल जाने का टाइम हो गया ना। आ, जा रहे हैं। तो फिर जल्दी जाओ। तूने बिगाड़ा है बच्चों को लाड़ प्यार देके। क्या हुआ भाई? जोरों की बारिश आने वाली है, तुम घर जाके टोपी और प्लास्टिक लेके आओ। ठीक है भाई। दीदी 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 कहाँ गई होगी? वो टापल और टोपी लेना। ओ, घर के पीछे है। आ, अच्छा। एक मछली गई और दूसरी मछली। अरे रे, आ गई तुम लोग? खेल रही हो क्या? खेलो खेलो। पापा मम्मा से हमेशा गुस्सा करते थे, उनसे प्यार से बात भी नहीं करते थे, इसीलिए नाचियार अंकल के जाल में वो फंस गए। हाँ, पहली बार बाहर आ रहा हूँ, गांव को बहुत मिस कर रहा हूँ। आपकी मम्मा को ले आना चाहिए था, मेरे मम्मा को भी साथ ही मिल जाता, आप भी फिकर नहीं करते। हाँ, ये भी करेक्ट है, चलता हूँ। ठीक है भैया। ए?
अरे वो राघवन मास्टर आ रहे हैं। कौन है ये? तुमसे ही पूछ रहा हूं। परदेशों को यहाँ क्या काम है? तेरी जान। बस आपकी बहुत हुई। पत्नी की कमर तोड़ के बच्चों को अकेले छोड़ के बहुत सालों पहले आप चले गए थे ना? अब आप क्यों लौट के आए हो? आपका हक 20 साल पहले ही खत्म हो गया। आप कुछ मत बोलना, ठीक है? अगर आप अपने आप को गार्डियन समझ रहे हो तो उसकी भी हमें जरूरत नहीं है। मैं आपका शक्ल भी देखना नहीं चाहती हूँ। जबान को लगाम दो। अरे तेरी तो अरे छोड़ दो भाई साहब, छोड़ दो। कृपया करके हमें जीने दीजिए। क्यों आप ये सब कर रहे हो? तू कौन होती है बोलने वाली? छोड़ा इसे। वो मेरी वाली है। लास्ट मंथ अकाउंट्स क्लोज हो गए ना? फाइल कहाँ है? शाम लीप पे है ना सर, थोड़ा वर्क पेंडिंग पे है। मैं कल दे दूँ सर। ठीक है, वैसे ही दे दो। मंडे ऑडिटिंग तुम्हें पता है ना? ठीक है सर। साहब इधर तल्लूर फिनेंस किधर है? वहां पर है। हाँ थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस, आप शरद सर है? जी हाँ। अलग सर ने बोला। मेरा नाम श्याम है, ये नीला, यहाँ का अकाउंटेंट। एक अर्जेंट काम से साहब और एक लड़की चेन्नई निकल गए। ओके। लगता है कोई एडमिशन कल ही आएंगे। सर ने फोन किया, मुझे पता है। आपको होटल पर रूम अरेंज किया है। ओ। आपका रूम नंबर 162। आप जाकर रेस्ट ले लो, सफर से थक गया होगा। मैं बाद में मिलता हूँ। ओके थैंक्स। ओके सर। शाम ने रूम बोला था ना? हाँ, रूम नंबर 125 ऊपर है। Thank you.
जी हाँ सर। हाँ कब लैंड हुआ है आपने? अभी अभी मैं आया। आप त्रिवेंद्रम चले गए ऐसे मुझे कहा, इसीलिए फ्रेशो के फोन करने के लिए सोचा था। एडमिशन क्या हुआ? क्या बताऊँ, सब पहले जैसे है। एक एक कॉलेज को ढूंढते हैं, साथ ही साथ कॉलेज की गलतियाँ भी ढूंढ लेते हैं। कॉलेज ठीक नहीं है, कॉलेज हॉस्टल ठीक नहीं है, ये सब कहते रहते हैं। मुझे घर से बाहर रहना पापा को ठीक नहीं लगता। अभी कहाँ है? लो आ रहे हैं। स्पीकर में डालो। मैं डैडी को दे रही हूँ। हेलो शरद। बोलिए सर। कब आए? अभी कुछ देर के पहले। अभी से शाम का फोन आया था, आज तुम आराम करो, कल ज्वाइन कर लेना। वी आर ऑन द वे, जल्दी पहुंच जाएंगे हम। ओके 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 सर। अलेक्स सर ने फोन किया, कल से ज्वाइन करना है और एक ही इच्छा बाकी है, पुष्पगिरी को जाना है। उनको भी मैं देखना चाहता हूं। अंदर रहने दो, तभी इनको अकल आएगी। ऐसे क्या घूर रहा है, और मार खाएगा क्या? डरने की जरूरत नहीं है, अब ये कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। इसको तो अब मैं देख लूंगा। इसकी शक्ल देख के नहीं लगता कितना फरार है ये? तो किस भरोसे के साथ इसके साथ आई तुम? मुझे इसने धोखा दे दिया सर। मेरी एक जॉब चली गई थी, इसलिए मुझसे इसने कहा था कि दूसरा जॉब दिलवाऊंगा। सर खाने के लिए कुछ? नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो आप इंटरव्यू इंटरव्यू बता के यहाँ पे क्यों लाए हो मुझे? इंटरव्यू नहीं चाहिए, मैं तो काम के लिए अरेंज कर दिया ना टाउन पे। थोड़ी देर के बाद वहां जाऊंगा। तो क्यों हम यहाँ पे आए हैं? भैया शहर छोड़ने के बाद मैंने आपको सपोर्ट किया। तेरी पढ़ाई, तेरी बीमारी, माँ की भलाई, इन सब के लिए मैं कितना खर्च किया मालूम है? इतना खर्च किया हूं, मैंने भी कुछ तो पाना है ना।
अगर तू मेरी बात सुन लिया तो तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है मेरे खानदान को आपने अलग किया, इसीलिए कोई रास्ता नहीं था। मेरी? इतनी बड़ी हो गई तू, मुझे इनकार कर रहा है? चुप चुप, डरना मत। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब इसकी तरफ से तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मैं देख लूंगा। एक बात कहता हूँ, बुरा मत मानना, तुम्हारे पिताजी धीरे मैं हूँ माँ, कौन आया? अंकल आया है बेटा। तू सो जाओ। दरवाजा खोलो। कहाँ है दरवाजा खोलने के लिए? खोलो। वो आ गए। दरवाजा खोलो। जल्दी उठो। कहाँ है दरवाजा खोलने के लिए? अरे दरवाजा खोल। कहाँ मर गई? ना जाने अब मैं क्या करूँ। अरे दरवाजा खोलो। दरवाजा तोड़ दूँ क्या? अरे खोल दरवाजा। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों? तुम तो हमेशा नींद में रहती हो और कष्ट उठाने के लिए मैं है ना? बस करो, अब रोने से क्या फायदा? ये कौन है? इन्होंने ही मुझे बचाया था। मैं शरत हूँ, यहाँ फिनेंस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। मैं कोडेकनाल से हूँ, आप क्या करते हैं? मैं इस जीप में काम करता हूँ, नाम मणिकुटर। हाँ हाँ, आपकी फैमिली? फैमिली तो बस यही है, यहाँ के लोग। 26 साल पहले एक एक्सीडेंट से मैं यहाँ अकेला पड़ा था, मुझे ढूंढने कोई नहीं आया। अब तो मेरा सब कुछ अशोक भैया है और इसके गाँव के लोग। आप चढ़िए, मैं छोड़ देता हूँ। ए नहीं नहीं, मैं यहाँ होटल में रहता हूँ, आप जाइए। अरे आइए ना, रास्ते में ही है, मैं छोड़ देता हूँ। आप सही वक्त पर आए, बहुत बड़े खतरे से हम बच गए।
हेलो सर, कहिए। आज तक की जो भी अकाउंट डिटेल से वो लेके घर आओ तुम, एक नजर देखना चाहूंगा मैं। ओके सर। नीला, अरे शरद जी, मैं आपको देखने के लिए आया हूँ। क्या बात है? वो क्या है कि आपकी गांव में मुझे एक घर चाहिए। इसमें क्या है, हम रेडी कर देंगे। मेरे साले के घर के पास एक घर है, बहुत दिनों से खाली पड़ा है। आ, वहीं देखेंगे। आ, ठीक है। ठीक है। कितना? 20 रुपया। ठीक है। अरे शरद, अगर तू आज नहीं आया ना, मुझे ही आने वाले थी। देखो तुझसे मैं कितना बड़ा हूँ, भाई बोल सकते हैं ना। हाँ क्यों नहीं, इतना बड़ा हो गया है भाई कहकर बुलाऊं। हाँ वो भी सच है, आप लोग हमारे गांव में था ना, तुम तो मेरी गोद में ही थे। हाँ इसीलिए तुम मुझे भाई बोलो। ओ ठीक है ठीक है, आज से मैं ऐसे ही पुकारने का ट्राई करती हूँ। शरद मारो। डैडी किधर है? मुझे जल्दी जाना होगा। ठहर तो सही, इतना बिजी है, डैडी घर पे ही है। तुम जाके बुलाओ, 7:30 को जीप को मैं मिस किया तो मैं यहाँ ही रहना होगा। डैडी यहीं पे रहने के लिए कहा है ना, क्यों नहीं ठहर रहे हो? तुम बदले ही नहीं, ऐसे ही रहेगी क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, तू तो इतना बदला है सल हो गये। अंदर आओ तो सही। आ रहा हूँ डैडी। शरद तुमने सही कहा, ये अभी भी बावली लड़की ही है। शरद अभी निकलेगा, मैं ही ठहरना है आपके साथ। बैठो तुम। मैं वो जगह देखने के लिए गया था, इसीलिए हॉस्टल नहीं आ सका। क्या हुआ? ओहो वहाँ पानी नहीं है, इसलिए मैंने मना कर दिया। हाँ तुम शरद के लिए कुछ लेके आओ ना। ये बिल्कुल भी नहीं बदली है, काश वो हमेशा मेरे लिए बच्ची ही रहे। वैसे तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम गांव छोड़ रहे थे तब तुम दोनों छोटे बच्चे थे, ललिता ने काफी कष्ट उठा के तुम्हें पाला पोसा, तुम अपनी माँ को भी यहाँ लेके आते? मैंने बुलाया, गांव को छोड़ के आने में माँ ने मना कर दिया। सही बोला, अच्छी जगह और मौसम भी अच्छा है, मगर मेरी बीवी को वहां का मौसम अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम लोग वहां से आ गए। उस दिन यात्रा के दौरान जो दुर्घटना हुई, और उस दुर्घटना में वो हम दोनों को छोड़ के चली गई। और वहां से यहां हम दोनों बाप बेटी अकेले। अब उसके हाथ पीले करने के बाद ही मैं चैन से सांस ले पाऊंगा। आहा, मुझे बेचकर आप चैन से रहना चाहते हैं क्या? अब तो समय है ना, देखते हैं। वैसे भी लड़कियां इसी तरह बोलती रहती हैं। वो सब मैं देख लूंगा, तुम फिलहाल अकाउंट टैली करने में शरद की मदद करो ना। शरद ये तुम्हारी मदद करेगी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं जरा आराम करता हूँ। अरे बेटी शरद को कुछ खाने के लिए दो ना तुम। गरम गरम डोसा है। तुम जाके लैपटॉप लेके आओ, काम होने के बाद घर ढूंढने के लिए चलो। हाँ, अभी जाना है क्या? आज यहीं ठहरना। मैं जाना है तो जाके लेके आ। दोस्तों लेके आओ लैपटॉप। हो जल्दी जाके लैपटॉप लेके आ। आज कुछ ठंड ज्यादा ही है ना? थोड़ा ज्यादा है। नमस्ते फादर, आप कैसे हैं? नमस्ते। अच्छा आज थोड़ा लेट आए हैं। हाँ भाई उम्र हो गई ना। हाँ।
अरे अरे राघवन, रुको, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। किस लिए फादर? क्यों रे, तूने क्यों बेवजह उन लोगों पर हाथ उठाया? शहर में हाथ उठा इसलिए, जब जी में आया मैं मारूंगा उन लोगों को, चाहे शहर हो या फिर चर्च। अब से ये नहीं होगा। क्यों बे, बहुत सालों पहले तूने ही तो उसको त्याग दिया था अपने जीवन से। क्यों, उस परिवार ने अपने जीवन को कैसे गुजारा होगा थोड़ा भी सोचा है तूने? आ गया बाप का अधिकार जताने के लिए। क्यों, उन बच्चों को तो चैन से जीने दे। और सुन, तेरी बेटी ही यहाँ इस शहर में ऐसा ही होकर आई है। आइंदा तूने ऐसा किया तो वो खुद तुझे अरेस्ट करके अंदर बंद कर देगी। लेकिन ऐसा करने से उसकी इज्जत जाएगी, तेरी इज्जत नहीं जाएगी, ऐसा सोच के रखना। उसकी इज्जत जाएगी तो वो देख लेगी। आप लोगों को स्वर्ग भेजने का काम कीजिए, मुझे रहना छोड़ दीजिए। ओह, तो मैं देख लूंगा, तू इस जन्म में नहीं सुधरेगा। फादर, मीटिंग 10 बजे रखा है। हाँ। और सुन, इसका हिसाब समय अपने आप तुझसे लेगा। और उस वक्त रोते समय तेरे आंखों में आंसू नहीं, गरम खून निकलेगा, खून। नहीं, लेके जाओ तुम। आइए फादर। यीशु, इसको समझ। भैया, मैं चलती हूँ। ठीक है, कल जल्दी आ जाना। ठीक है। पुष्पगिरी, पुष्पगिरी, पुष्पगिरी। हाँ, आइए आइए। पुष्पगिरी, 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 पुष्पगिरी। हाँ अशोक भैया, चलिए। आप खेल रहे हो तुम लोग, स्पीड ही नहीं है खेल में। अच्छा, दिल लगा के खेलो। आप भी आइए फादर, 10 मिनट खेल लेंगे। मैंने अपने समय में जो भी खेला वो तुम खेल ही नहीं सकते। वो सब तो आप ऐसे ही सोच रहे हैं। क्या खेल रहे हो तुम लोग? अरे अभी फॉर्म पे आया था, सब निकल गया। हाँ? क्या हो गया? चाकू जरा भी मिस होता तो तेरी गर्दन में घुस जाता। फादर, इसके बारे में किसी को पता नहीं चाहिए। आखिर बात क्या है, कुछ समझ में नहीं आई। बचपन से ही वो इसमें माहिर थे। हाँ, और अभी भी वैसे ही है। तलवार, डंडा, सब कुछ जानते हैं वो। किसी भी जंगल में शिकार करने वाला शिकारी है वो। ओहो। लेकिन आप पर इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है। मैं और इनकी बेटी फ्रेंड्स है, इसलिए उनको गुस्सा है। वो गुस्सा कब चलेगा किसको पता। उस लड़की के लिए सोचता हूँ तो बड़ा दुख होता है। छोटी उम्र से ही उसने अपने परिवार के लिए बहुत दुख उठाया। 1960 में बहुत से लोग तुरली से आके यहाँ पे बस गए। मैडलिन सिर्फ 1 साल की थी जब उसके माँ बाप यहाँ पर आके बसे। यहाँ घना वन था, यहाँ रह के उन्होंने खेती बाड़ी करना शुरू किया।
उन्हीं को देख के बहुत से लोगों ने यहाँ से जाने का इरादा छोड़ दिया। उस वक्त एसपी थे अब्दुल कादर। पुलिस डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले मिलकर दोनों ने यहाँ के लोगों को बहुत सताया। उस वक्त लाठी और गोलियों से बहुत से लोग मारे गए। मर्लिन के माता पिता भी बंदूक से मारे गए। उस वक्त के फादर थॉमस ने मुझे एक बात बताई थी, वो अभी भी याद है। फादर थॉमस ने ही मर्लिन को पढ़ाया लिखाया था। जब वो 12वीं में पढ़ती थी तभी वो राघवन के संपर्क में आई और आखिरकार दोनों की शादी हो गई। तब राघवन बहुत अच्छा था, उनका पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर इन दोनों में दूरियां बढ़ती चली गई। राघवन ने मर्लिन को मारना भी चाहा, लेकिन बच्चों को छोड़ के कहीं भाग गया और फिर 20 साल के बाद वापस आकर किसी दूसरी औरत के साथ रह रहा है। कुछ भी हो तुम जरा सावधान रहो। यीशु आपसे आशीर्वाद लेने के लिए ड्यूटी पे जॉइन करके ही यहाँ आया। क्यों रो रही है दीदी? तेरी इच्छा से ये ना मैं पुलिस ऑफिसर बन गई, अब से हमारे लिए कोई परेशानियां नहीं होगी। जाने से पहले चर्च जाकर फादर से मिलकर जाना। फादर कहने से पर ही मुझे यहीं पे पोस्टिंग हुआ है। दीदी, छोटी दीदी को देखा? एक बार टाउन में देखा था, उसके साथ एक बच्चा भी था, उसके सास भी वहाँ थे। मैं उससे बात नहीं कर पाई, उनके बारे में तो तुम्हें पता है ना? पापा, देखा था, एक बार जंक्शन में प्रॉब्लम किया था, शरद सर को भी मारा था। मुझे वो कुछ भी करें, लेकिन वो शरद सर। अरे पुलिस भी आ गई है? सब आप ही के आशीर्वाद है फादर। अरे इसमें मेरा नहीं, प्रभु यीशु का आशीर्वाद है तुमको। आप ही के बारे में ही हम बात कर रहे थे। ऐसा क्या? हाँ, इस ड्रेस में तू बहुत अच्छी लग रही है बेटा। अब से हमारे एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसकी तेरी जिम्मेदारी है। मर्लिन, अब तुम कैसी हो? 23 साल से कुछ नहीं बदला, अब क्या बदलेगा फादर? अब तुम चिंता मत करो, प्रभु यीशु इन बच्चों की प्रार्थना जरूर सुनेगा, देखना। मैं अब उठना नहीं चाहती, बस मैं तो जल्दी जाना चाहती हूँ। तुझसे भी ज्यादा दुख पाने वाले और भी लोग हैं जो इस दुनिया में हैं। विश्वास करने वालों की ही प्रभु यीशु परीक्षा लेता है। मर्लिन, तुम अपने सारे कष्ट प्रभु यीशु को बताओ, वो तुम्हें शिफा देगा। ठीक है फादर। चलिए। हेलो, तालूर फिनेंस। सर, मैं हूँ सेरा। क्या हुआ, अभी कॉल किया? बस यूं ही कॉल किया था मैंने। ओ ऐसे, लेकिन मुझे बहुत काम है। मुझसे बात करने के लिए बिजी हो क्या? घर आकर बैठने के लिए भी समय नहीं है। देखो मैं अभी बिजी हूँ, फ्री होने के बाद तुझे कॉल कर दूंगा। रखना चाहती हो? यहाँ कस्टमर्स है। ठीक है। हाँ ओके। वो फोटो उस औरत को कहीं देखा है मैंने।
बाबू एक चाय डालो। खाने को कुछ लेंगे क्या? गर्मा गर्म भजिया है? नहीं। हाँ कहाँ के हो तुम? इससे पहले मैंने आपको कहा कभी नहीं देखा। पूरब से आ रहा हूँ। ओ क्या किसी काम की तलाश में आए यहाँ? यहाँ रहने के लिए किराए का मकान मिलेगा? मिलेगा लेकिन किराया थोड़ा ज्यादा है। महीने का 50 रुपए मांगेंगे। ठीक है क्या बाबू? ये बाहर गांव से काम ढूंढ कर यहाँ आए हैं। नदी किनारे अपना वो घर है ना, जरा घर उन्हें दिखा दो तो। फिलहाल वहां रह लीजिए, काम की जो बात है वो मैं पूरा ख्याल रखूंगा। जीवन है सांसों की सरगम, समझा है इसको बहुत कम। इच्छाओं को तुम मन में ही मारो, सुखमयी रहेगी जीवन यात्रा। जीवन है सांसों की सरगम, समझा है इसको बहुत कम। मेरा हरदम तुझको देखूं तो दिल मचला जाए मेरा। भटके भटके भटका जाए दिल, देखो मचले मचले दिल ये चंचल मेरा हरदम। तुझको देखूं तो दिल मचला जाए मेरा। भटके भटके भटका जाए दिल, देखो है ये कैसा ये जादू यारो। सांसों से जुड़ी है सबकी जीवन की यात्रा, है ये कैसा ये जादू यारो। सांसों से जुड़ी है सबकी जीवन की यात्रा। जीवन है सांसों की सरगम, समझा है इसको बहुत कम। इच्छाओं को तुम मन में ही मारो, सुखमयी रहेगी जीवन यात्रा। है सांसों की सरगम, समझा है इसको बहुत कम। इच्छाओं को तुम मन में ही मारो, सुखमयी रहेगी जीवन यात्रा। है ये कैसा ये जादू यारो। सांसों से जुड़ी है जीवन की यात्रा, है ये कैसा ये जादू यारों। सांसों से जुड़ी है सबकी जीवन की यात्रा। आज से त्योहार दिन शुरू हो रहा है, अगर आप आए हैं तो मन का इच्छा पूरा होता है। मैं आऊंगा, प्रभु की पूजा करने नहीं,
मेरी चाहत सिर्फ तुम हो। उत्सव के समय अपने घर में ही रहूंगा मैं, तो तुम्हारा इंतजार करूंगा मैं। तुम मेरे पास आओगी ना? मुझे डर लग रहा है, कोई देख लिया तो। आओ बैठो, घबराओ मत। कर दिया ना, ए, पकड़ो उसको। अरे नहीं, छोड़ो। अरे ललिता ही है। मतलब वो लड़का।
क्या हुआ? कौन है वो लोग? मुझे पता नहीं। अरे इसको तो खून निकल रहा है। कोई कोई बात नहीं। और कहीं लगी है क्या? 25 रुपया लिख लीजिए। हाँ लिखना है, लिख लिख कर मैं बेकार हो गई। क्या दीदी बहुत गुस्से में हो? चला हट आगे पूछने के लिए। हे भगवान। बेकार में जाके क्यों सुबह सुबह उसके मुंह लगता है तू? अरे तुम तो ठीक कहते हो। एक चाय बना यार, शक्कर या बिना शक्कर के? ठीक ही। पता नहीं क्यों यहाँ पर रहने वाले सारे लोग दीवाने होकर घूम रहे हैं। उसका कारण क्या है पता है तुझे? क्या कारण है? लव है और क्या। भैया टाइम क्या हुआ है? टाइम 4 बज गए। तो फिर एक वड़ा दे दीजिए। हाँ हाँ तू 4 बजे ही वड़ा खाता है। पेपर में क्या लिखा है बता तो। तुम्हें बताने लायक इसमें कोई खबर नहीं। सुबह नहीं पढ़ा था क्या? नहीं। ये ले वड़ा। अरे यहाँ सुबह कुछ मामला हो गया था पता है क्या हुआ? अरे क्या बताऊँ भैया, उस लड़के पर किसको कितना गुस्सा था कौन जानता है। अरे हाँ मुझे भी समझ में नहीं आया। कुछ भी कहो पिक्चर में फाइट देखने का मजा आ गया। इधर से मार उधर से मार इधर से मार मजा आ गया। खूब ठोका ठोका। हाँ बंदूक नहीं थी ना। पुष्पगिरी आ गया है। ऐसे उदास है, बताइए क्या हुआ है? वो आज वो आया था। कौन? पूछ रही हो ना कौन? पुष्पगिरी। हाँ हाँ चलिए चलिए पुष्पगिरी। हाँ चलिए पुष्पगिरी आइए आइए पुष्पगिरी। अशोक भैया कहाँ गए? पुष्पगिरी आइए पुष्पगिरी चलिए। क्या गाड़ी में चढ़ने के लिए सवारी नहीं मिली? आज ज्यादा भीड़ नहीं था ना? हाँ ठीक है जितने आगे चलो चलते अब। पुष्पगिरी। अरे भाई लॉटरी टिकट ले लो। नहीं चाहिए। लॉटरी खरीदी। हाँ, चलो 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 लॉटरी खरीदी। गाड़ी रोकिए।
सुनो भाई, आज लोड नहीं आया क्या? ओ बारिश की वजह से। बारिश के लिए प्रार्थना करते हो, होती है तो दुखी होते हो। आज बहुत बारिश आने वाली लगता है। आज तो जरूर बारिश होगी, ठीक कहा ना केशवा? क्या बात है शेखर भाई, होती की बड़ाई होगी क्या? आई है क्या यहाँ पर? अभी हुई नहीं है, एग्जाम की छुट्टियाँ मिली हुई हैं। एग्जाम हो जाएंगे तो डॉक्टर बन जाएगी ना, हमें तो खुशी मनानी चाहिए ना। उसके डॉक्टर बनने के बाद मैं उसी से अपनी आँख का ऑपरेशन कराऊंगा। मगर वो तो जानवरों की डॉक्टर नहीं है ना। तेरा बाप होगा जानवर। खाने को क्या चाहिए? चाय लगा। अच्छा, ये तो जेल से अभी अभी आया है, अभी पता चला इसकी करतूत। शहर में जो है ना बैंक मैनेजर, उसकी घर के पास ही टिका है ना। अरे रे रे, वो तो बहुत ही नादान है, आप कुछ झगड़ा मत करना उससे। मुझसे टक्कर लेकर इधर चैन से जी नहीं सकता। अकेले रहती औरत के घर में जाके झगड़ा करना कहाँ की मर्दानगी नहीं है? क्या बोल रहा है? मुझसे टक्कर लिया तो तेरे को मार डालूंगा। और बोल। पुष्पगिरी 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 पुष्पगिरी। अशोक नहीं आए क्या? दीदी को लेकर अस्पताल गया। पुष्पगिरी क्या हो गया भैया, आपकी आवाज बहुत कम है, बहुत जोर से पुकारिए ना। अरे हम लोग तो बेचारे लोग हैं, पुलिस वालों की शक्ति हम में कहाँ है। मजाक नहीं करना, पहली बार पगार मिला है तो दोनों मिलके शॉपिंग के लिए जा रहे हैं क्या? हाँ, जब मैं ये सोचता हूँ कि मुझे शर्ट खरीद के देने के लिए कोई भी नहीं है। इसीलिए तो ढूंढ कर रखा है ना, समय आने पर मिल जाएगा। दीदी ठीक है चलिए। तो लगता है किसी को दारू ही नहीं मिलेगी, कितना बड़ा पियक्कड़ है। ए, पहले और एक लाओ, हाथ मत लगाना। ए मुत्तू, तू कब जेल से छूटा? अबे कंधा, देखा जाए तो ये बहुत किस्मत वाला है, ना घर है ना परिवार है, खूब पियो और आवारागर्दी करो, कौन है पूछने वाला। हाँ हाँ, आपने सच्ची कहा है, राघवन जी तो घर पे भी नहीं है और बीवी की तबीयत भी ठीक नहीं है, अब तो मजा ही है ना। तुम्हें तो अपने सगे भाई की तरह रखा था राघवन जी ने, अपनी ही थाली में थूक रहे हो तुम जैसे लोगों को मैं क्या बोलूं? आज तुझे न छोड़ूंगा रे। सही कहा, आज राघवन का कुटुंब नहीं है और ना ही बच्चे, लेकिन कभी सब कुछ था मेरे पास, और उसको तबाह करने वाला कौन है ये मैं जान गया। उसके बाद भी तुम्हें यूं ही छोड़ के रखा है, क्योंकि कभी तुझे मैं अपना भाई मानता था, इसलिए तुम्हारी जान नहीं ली। मगर आइंदा मेरे बच्चों को छूने की कोशिश भी की
तो तेरे हाथों को तोड़कर भिखारी बना दूंगा, समझे? आज जल्दी आ गए? नहीं, कुछ नहीं, काम को जाने के बाद भी मैं वहाँ रुक नहीं पाई, इसीलिए निकल गई आपको देखने के लिए। मैं भी आपसे मिलने ही वाला था, इसी देने के लिए ही आई। अरे ये क्या, मैं तो मजाक कर रहा था आपसे, इसकी क्या जरूरत थी? नहीं कोई बात नहीं, इसके बाद अपने आप को अकेले मत समझना। अशोक भैया के अलावा कोई भी मुझसे आज तक इस तरह बात नहीं की है। अभी तो मैं हूं ना। तो मैं चलूं? अगला सवारी है ना? हाँ ठीक है। कौन है तुम, यहाँ किस लिए आए हो? मुझे छोड़ो, हमारे बीच कुछ भी नहीं है, फिर मुझे आप क्यों रोका? उस दिन तुम्हारे पर्स में एक फोटो देखी, वो कौन है? बोल किसकी है? एक स्त्री को आपने धोखा दिए थे ना, उनकी बेटा हूँ मैं। मेरे पर्स को आप देखने के बाद मैंने आपको देखा और समझ लिया आप ही मेरे पापा। मैं भी आपकी खून हूं। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरी मां वो अब तक जिंदा है, ये आपको पता है क्या? मां ने बोला इसलिए मैं आपके पास आया, लेकिन मैंने एक राक्षस को देखा, तीन मासूम बच्चे और पत्नी को धोखा देने वाला। जिंदगी में मैं किसी को भी माफ कर सकता हूं, लेकिन अपनी पत्नी को माफ नहीं कर सकता, और उसके लिए एक नहीं अनेक कारण जो हैं। ऐसे ही होगा, सभी को इनकी तरफ एक न्याय होगा। मेरा अंत कैसा होगा मैं जानता हूं, अब ज्यादा दूर नहीं है वो दिन। ललिता से कहना कि मैं मर गया, सिर्फ इतना ही तुम मेरे लिए कर देना बेटा। क्या समझ रखी है तू, जिंदगी भर मैं जेल में रहूंगा? तू और तेरी बहन, थोड़ा और बढ़ने के लिए मैं इंतजार कर रहा था। ये ख्वाहिश को अपने दिल में ही रखना। मेरा चाहत को मिटाने के लिए मैं जानता हूँ। तुम्हारी सोच गलत है, मेरी माँ गलती से तुम्हारे जाल में फंस गई, लेकिन तुम मत सोचना कि हम भी फंसेंगे। मेरी चाहत को मैं पूरी करूंगा। तुम
जो सोच रहे हो वो कभी भी पूरा नहीं होगा। तू अच्छी तरह याद रख, तू और तेरी बहन को मैं ऐसा नहीं छोड़ दूंगा। आपकी एप्लीकेशन मिला है लेकिन उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। हाँ फिर एक बार रीजन करना। बंपर पे क्यों बैठा है? ठीक है ठीक है, और एक बार मुझे रीजन करना, मुझे बताना पड़ेगा। ओके ओके मैं देख लूंगा। ठीक है, आई विल कॉल यू बैक। मैं कॉल करूंगा। अरे कहाँ जा रहे सारा? सर सर आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहाँ जा रहे तो? मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं। दूर जाएगा ने भेजा। बोल बोलते हैं हम मरते हो? मैं बताता हूं, वो एलेक्स है। आज से वो इस शहर में नहीं रहेगा। मेरी बेटी को शक ना हो इसलिए मैंने उसे यहां बुलाया और तुम लोगों को भी यहां बुलाया, समझ गए? ओके सर, वो हम देख लेंगे। फिलहाल ये रख लो। ठीक है, बाकी काम होने के पश्चात। Thank you.
आप जाइए। ओके सर। कहाँ गए थे आप? एमडी ने बुलाया। सर कहाँ है? अंदर ही है। दरअसल शरद, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। कहाँ थे इतनी देर तक? मुझे खून करने के लिए भेजे थे ना। क्या? उनसे बच के आया हूँ। खून करने के लिए भेजा? किसने? बोलो हाँ? बताओ बेटे। अच्छा ये बताओ, आखिर यहाँ तुम्हारा दुश्मन कौन है? हम ये पुलिस स्टेशन में खबर करते हैं। हाँ अच्छा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? तुम फिकर मत करो, हम कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है? तुम डरो मत, मैं जो हूं ना तुम्हारे लिए। हाँ पैसा भी गया और इज्जत भी गई। मुझे मारने के लिए क्या वजह हो सकते हैं? गुंडों ने अलग शहर के नाम लिया है, लेकिन मुझे मारने में इनको क्या फायदा है? शरद सर, क्यों ऐसे उदास लग रहे हैं? तुम मुझे कैसे देख रहे हो? तुझे नहीं मालूम है क्या, मुझे पसंद है सबसे ज्यादा। तुम्हारे पापा को ये बात मालूम है? मालूम है, वक्त आने पर पापा तुझसे बात करने को कहा। लेकिन मैंने तुम्हें ऐसे कभी नहीं देखा। शरद, तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत हेल्प किया है, इसलिए मैं उनको ऐसे नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तू सिर्फ मेरी फ्रेंड है। वो जिंदा मेरे सामने आके पूछ रहा है, मुझसे सवाल कर रहा है कि किसने उसके पीछे गुंडे लगवाए। अगर पैसे ले लिए हैं तो काम को भी अंजाम देना चाहिए, समझ गए? उसे शहर से भगाने के लिए ही मैंने तुम्हें पैसे दिए, किसी भी तरह भगाने के लिए पैसे दिए, न कि उसके हाथ से मार खाकर भागने के लिए तुम्हें पैसे दिए। मैंने सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है क्या? हाँ, किसी भी तरह शरद को कुछ महीनों के लिए यहाँ से दूर रखना होगा, यही चाहता हूँ मैं। हाँ भाई, कम से कम मेरी बेटी की शादी होने तक। हाँ, अगर मैंने कुछ कहा तो मेरी बेटी को शक हो जाएगा ना। देखो, मुझे मेरी बेटी का भविष्य ही सब कुछ है। हाँ हैप्पी बर्थडे टू यू, जो बोला तुम्हें याद है ना? लगता है पापा को बुरा हो गया। जरूर जरूर तकलीफ होगी। उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? किससे? उसी से, उस शरद से। डैडी, वो क्या तुम्हें वो पसंद है? ओ डैडी,
मगर ये बात शरद को नहीं मालूम। खैर, तुम उसे बात मत करना। तुम्हारे लिए मैं खुद शरद से बात करूंगा आज। मेरी बेटी की जिंदगी बचाना मेरा फर्ज जो है। रट, अगर तुमसे नहीं होगा तो बोलो, बाकी के काम मैं। I never expect this from you, daddy. बेटी, मैं बेटी, अगर शरद को पसंद है तो अलग सर से मैं बात करती हूँ। मेरी उंगलियों को पकड़ के वो पीछे आए, उनको मैं पसंद करता हूँ, लेकिन उनकी जात, उनकी दौलत, अलग सर इनको नहीं मानेगा। एक अच्छा सा लड़का उनको मिल जाएगा। मैं कल गांव जा रहा हूँ। आप फिक्र मत करना सर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहन, मुझे सर मत बुलाना। ऐसे आप बुलाए तो मुझे ठीक नहीं लगता। बहुत ही दुख पहुंचने वाले बातें मेरी मन में भी हैं, उन सबको ऐसे ही हम छोड़ देंगे। मैं चलता हूँ, ड्रेसेस को पैक करना है। दीदी, अब मैं चलती हूँ, मुझे अलग सर से बात करनी है। मामी, चलती हूँ। बेचारा वो लड़का। हाँ मम्मा। दीदी, आ गया तू, निकल यहां से। बेचारी बीमारी होके लेट गई, चुपके मेरा बीपी को ना बढ़ाना। मैंने तो बहुत दिन से देखभाल किया ना तुम लोगों को, तब वो बात पर मुझे चिंता नहीं था। तू कारण जानती हो क्या? अच्छी तरह बोए हुए तीन अनफोल सा आम रहा इधर। देखो, मेरे परिवार को सर्वनाश कर दिया तूने। 23 साल से मैं वो भोग रही हूँ। तेरे बच्चे जैसे देखने को बताया है ना? आप मुझसे नहीं होगा। मैं मेरे बच्चों को ये बात कहकर ही मैं मरूंगी। अच्छा, तू जा, मैं तुझे देखना तक भी नहीं चाहती हूँ। ना जाने उस पूरे वक्त को मैं तुझे चाहने की वजह से अच्छी तरह भोगली मैंने। अब मुझसे कुछ नहीं होगा। मेरी बच्ची को तू निकाल यहां से। मैं चलता हूं, पर तेरी पहली बेटी है ना, वो तो मुझे बहुत पसंद है, उसकी तो मैं चाहती हूँ। नो, Oh!
हे, तुम क्यों यहाँ पे आए? अबे मुतू, तू यहाँ मत आ। यहाँ क्या काम है तेरा? तुझे एक मौका और देता हूँ, इस गांव से तुम निकल जाओ। ए, रास्ता छोड़। हाँ। क्यों ये सबको नीचे फेंका है? मेरलिन, सब मेरी ही गलती थी। काश मैं तुम्हारा और अपने बच्चों का ख्याल रखा होता। मुझे क्षमा कर दो मेरलिन, इन सब की वजह मैं ही हूं। उसे मैंने ही सुधार लिया फादर। जोस, इसने हमारे बलिन को मार दिया। ये करता है, उसे छोड़ेंगे नहीं। मेरे खानदान को बर्बाद किया तूने और आज मेरी बेटी को। हाँ, तेरे खानदान को बर्बाद किया। हाँ मैंने किया। हाँ, जो मैं चाहता हूँ वो जरूर लेगा मैं। Ah!
एक मिनट, मुझे क्षमा करो बेटी। तुमने उस दिन कहा था ना कि तुम्हारी होने वाली पत्नी है, इसका साथ मत छोड़ना बेटा। उस दिन मैं एक जानवर था, मगर आज मैं जान गया कि सच्चा प्यार क्या होता है। ये कौन है, इसका भी परिचय मैं कराता हूं। ये भी मेरा खून है, यानी मेरा बेटा। तुम तीनों बहनों का ही एकलौता भाई। इस बाप को तुम क्षमा नहीं करोगे? मेरे लिए आपको एक और मदद करनी होगी फादर, जिनका कोई नहीं होता उनकी देखभाल करने वाले आप ही हैं फादर। इस दिव्यांग को भी आप राघवन, हम जो गुनाह करते हैं उसकी सजा हमको ही मिलती है। तू जाके आ, इनकी चिंता तू मत कर। अब एक ही ख्वाहिश है मेरी साहब, वो ये है कि मेरी बेटी ही मुझे हथकड़ी पहनाए साहब।